नाम ऐसा है जो दर्शकों में अपनी कुछ अलग पहचान बना चुका है। अब दर्शक भी इस गाने से ऐसी फिल्में चाहते हैं जो उनकी कसौटी पर 100% ना सही कुछ तो खरी उतरने का दम रखती हो। अब अगर आप इस कसौटी पर बैनर की इस फिल्म को रखे तो यकीनन फिल्म आपको अपसेट करने का पूरा दम रखती है। बेशक इस फिल्म का प्रोडक्शन कंपनी ने बहुत ज्यादा प्रमोशन नहीं किया, लेकिन फिल्म को दर्शकों और ट्रेड में हॉट बनाने के मकसद से फिल्म की रिलीज डेट से पहले चोरी के इंटरव्यू, चोरी का ट्रेलर और चोरी के पोस्टर सहित कई प्रमोशनल कैंपेन जरूर चलाए। लेकिन आज जब फिल्म ने सिल्वर स्क्रीन पर दस्तक दी तो बॉक्स ऑफिस पर छाई वीरानी और हॉल में औसतन 20% की ओपनिंग को देखने के बाद तो यही लगता है कि दर्शकों पर मेकर कंपनी के इस प्रमोशन कैंपेन का खास असर नहीं पड़ा। इस फिल्म के साथ एक और खास बात जुड़ी है। फिल्म शुरू करने से पहले प्रोडक्शन कंपनी ने एक अहम किरदार के लिए कपिल शर्मा को अप्रोच किया था, लेकिन इन वक्त पर बात बन नहीं पाए। इस फिल्म से यंग डायरेक्टर बम्पी ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है। कहानी, मुंबई का रहने वाला चंपक रितेश देशमुख एक बैंक को लूटने की प्लानिंग करता है। दरअसल चंपक को अपने बीमार पापा का इलाज कराने के लिए मोटी रकम चाहिए। बैंक चोरी की अपनी इस प्लानिंग को अंजाम देने के लिए चंपक अपने दो दोस्तों को दिल्ली से बुलाता है। चंपक की इस चोरी की प्लानिंग में उसके साथ गेंदा, विक्रम थापा और गुलाब भुवन अरोरा भी शामिल हो जाते हैं। दरअसल गुलाब और गेंदा बहुत बड़े बेवकूफ हैं, लेकिन खुद को अक्लमंद समझते हैं। फुल प्लानिंग के बाद तीनों बैंक ऑफ इंडियंस लूटने के लिए निकलते हैं। हालत कुछ ऐसे बनते हैं कि इस बैंक डकैती की मीडिया को पहले से खबर मिल जाती है और बैंक के बाहर पहले से जमावड़ा सा लग जाता है। बेहद कड़क पुलिस इंस्पेक्टर अमजद खान, विवेक ओबेरॉय भी यहां आ पहुंचता है। इसके बाद मीडिया, राजनीति के साथ पुलिस और चोर का खेल शुरू होता है। एक्टिंग, अगर एक्टिंग की बात करें तो रितेश अब कॉमेडी की फिल्म में मास्टर हो चुके हैं। वहीं फिल्म में उनके साथ ही चोर बने विक्रम थापा और भुवन अरोड़ा ने अपने किरदारों को बेहतरीन ढंग से निभाया। फिल्म में इन तीनों की केमिस्ट्री गजब की बन पड़ी है। इन तीन अहम किरदारों के बीच जर्नलिस्ट के किरदार में रिया चक्रवर्ती अपनी पहचान छोड़ने में कामयाब रही। विवेक ओबेरॉय अपने किरदार में 100% फिट नजर आए। निर्देशन, फिल्म की कहानी में बेशक नयापन ना हो, लेकिन डायरेक्टर बम्पी ने फिल्म को कहीं ट्रैक से उतरने नहीं दिया। उनके डायरेक्शन की सबसे बड़ी खूबी यही है कि बेजान कहानी के बावजूद पर फिल्म पर उनकी पकड़ बरकरार है। स्क्रीन प्ले पर बम्पी ने अच्छी खासी मेहनत की है तो फिल्म की फोटोग्राफी बेहतरीन है। कैमरामैन ने कई सीन्स को अलग अलग एंगलों से बेहद शानदार ढंग से शूट किया है। संगीत, ऐसी कहानी में गीत संगीत की गुंजाइश नहीं बचती, फिर भी बैंक चोर का फिल्मांकन अच्छा बन पड़ा है। क्यों देखें? अगर आप नाइट कोरस देखकर सिर्फ एंटरटेनमेंट के मकसद से थिएटर जा रहे हैं तो बैंक चोर आपको अपसेट नहीं करेगी।